फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है MI Preferred Partner, Teens Gallery, Shop नंबर 3, S2S Aspire, गढ़ रोड, मेरठ। नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा और आप देख रहे हैं firstbite.tv। लॉकडाउन लगे हुए यूं तो लंबा अरसा हो गया, लेकिन आज मेरठ में पूर्णतः लॉकडाउन रहा। दवा, दूध, बैंक व पेट्रोल पंप के अलावा आज सब कुछ बंद रहा। अगर कुछ लोग सड़क पर निकले भी तो उन्हें अच्छे से समझा दिया गया कि लॉकडाउन में आखिर क्यों निकले। आज दिन भर सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा, राहगीरों का इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी नजर नहीं आया। पुलिस ने आज सुबह से ही सख्ती बरतनी शुरू कर दी थी। बीते दिवस जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने स्पष्ट कर दिया था कि कोरोना चेन को तोड़ने के लिए यह एक दिन का सख्त लॉकडाउन बेहद जरूरी है। सूत्रों का कहना है कि आज गुरुवार का यह लॉकडाउन एक प्रयोग मात्र है, प्रशासन आगे भी यह कदम उठा सकता है। आज कुछ इलाकों में ड्रोन से भी बराबर नजर रखी गई। आज दोपहर बेगमपुर चौराहे पर सचिव टी वेंकटेश्वर, ADG प्रशांत कुमार व जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने भी मौजूद रहकर स्थिति पर अपनी नजर बचाए रखी। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं। क्योंकि थोड़ा सा हम लोग ने सोचा एक एक्सपेरिमेंट ये भी करें कि वंस अ वीक या इसको इम्प्रूव करना है, ऐसे करें, टोटल लॉकडाउन भी करें, मेडिसिन ये सब भी सप्लाई हो, एक एनफोर्समेंट का मैसेज भी भेजना है कि प्रशासन अगर थोड़ा सा मिसयूज भी होगा तो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकता है इफेक्टिव करने के लिए। हाँ बताइए। अब हम लोगों के लिए बहुत सी एरियाज़ को फोकस करना है, जिसमें लॉकडाउन एक है, हेल्थ है, कम्युनिटी किचन है, तो हर एरिया में हम फोकस कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमको लग रहा है इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, हम एडवाइस दे के इम्प्रूवमेंट करा के ही जाएंगे। एक एक फेज़, जैसे अभी लॉकडाउन है, सुबह हमने हेल्थ पे ध्यान दिया, कल कम्युनिटी किचन पे ध्यान दिया, उसमें भी कुछ इम्प्रूवमेंट्स और लाएंगे ताकि लोगों को बेटर मिले फूड जो है और समय से मिले। देखिए, हम लोग ने जो है मेरठ प्रशासन ने जो है काफ़ी लोग जो हमारे यहाँ पे एक्सटेंडेड लेबर में थे, यूपी के अन्य जनपदों के भी थे, झारखंड के भी हैं, बिहार के भी हैं, तब के लिए हम लोगों ने बसों के माध्यम से व्यवस्था कराई है और उनको खाना, उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग, पानी सब व्यवस्था कराई है। अभी जो है पिछले एक दिन से जो है जो समीपवर्ती ज़िले हैं बिहार के, जिनमें हमें बिहार के लोगों को पहुँचाना था, वहाँ पर भीड़ काफ़ी हो गई है, तो अभी उन्होंने कहा है कि 2-3 दिन आप रुक जाइए, जब हमारा बैकलॉग यहाँ से हो जाएगा तब हम लोग भेजेंगे। तो हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेशन के ADM FR और सचिव MDA उनके संबंधित ADM से टाइप कर रहे हैं, जैसे ही वहाँ से कहा जाएगा कि हम भेज सकते हैं तो हम लोग कल मैक्सिमम नहीं तो परसों तक इनको भी जो हमारे यहाँ रह गए हैं स्टैंडर्ड लेबर में बिहार के भेज देंगे। झारखंड की तैयारी हो गई है, वहाँ के लोगों से हमें इंडिकेशन मिल चुका है, तो हम लोग उनको जो है सोनभद्र भेज रहे हैं। जो समस्या हमारे सामने आई है, हमने जो रियल ग्राउंड रिपोर्ट में देखा है, जो बिहार के लोग बस में चढ़ रहे हैं या जो है उनको ये कहकर बता दिया जा रहा है कि अपने राज्य से कहेंगे कि वो आपको। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कहीं कुछ अगर किसी ने कहा होगा तो मैं इसको चेक करा लेता हूँ, ऐसा कहीं भी नहीं है। हमारे लिए सब समान है और हम लोग सबके लिए व्यवस्था करा रहे हैं।